हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप टुडेज वी आर फाइन। चलो आज हम यूकेजी हिंदी पढ़ेंगे। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 64। मैंने सीख लिया, लेसन का नेम क्या है? मैंने सीख लिया। एंड क्या होता है? अब तक जो हमने अक्षर सीखे हैं, ये अब हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। और अब तक जो हमने सीखा है वो राइट डाउन करके फिर हमको लगेगा कि हमने ये शब्द, ये अक्षर हमने सीख लिए। ओके देन, आज की डेट डालो 22/12। सही अक्षर लिखकर खाली स्थान भरो। यहाँ पर क्या करना है? ये खाली स्थान दिए गए, ये पर यहाँ पर ऐसे खाली स्थान दिए और यहाँ पर एक अक्षर दे दिया है, फिर यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिए। तो हमें क्या करना है? ये यहाँ पर जो खाली स्थान है हमें भरना है। तो यहाँ पर क्या आता है? ये ग है, इससे पहले क्या आता है? ख, और इसके पहले क। तो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है क ऐसे। ये हमने पहले पढ़ा था, तो ये है क। क से क्या होता है? क से कमल। क के बाद कौन सा अक्षर आता है यहाँ पर? ख। क्या आता है? ख। ख के बाद ग, एक ग स्ट्रेस करो, ग है ना। क से कमल, ख से खरबूजा, ग से गमला, घ से घर। यहाँ पर क्या राइट डाउन करना है? घ करो ऐसे 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 ऐसे, घ से घर। और इसके बाद क्या आ गया पर? अंग। इसको क्या बोलते हैं? अंग। ऐसे आपको राइट डाउन करना है और उसको बोलना है हिंदी में अंग। मराठी में वांग्मय का न बोलते उसको, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अंग। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? क ख ग घ अंग। यहाँ पर च, च से चम्मच। ये आपको ही राइट डाउन करना है, मैं लिख के नहीं दूंगी। ओके, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, हमारा ग्य। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? ऐसे ग्य राइट डाउन करना है। ओके ऐसे, ये है गया। ओके देन नेक्स्ट, ट। अब ये ट से टमाटर, ठ से ठप्पा। यहाँ पर क्या करना है आपको? ठ ठ निकालना है। ठ से ठप्पा, ड से डमरू, ढ से ढला, न। ये आपको घर पर करना है। ये आपका क्या है? एच डब्ल्यू। ये घर पर करना है आपको। ये पूरा स्ट्रेस करो और खाली स्थान भरना है, क्योंकि आपको पढ़ाया हुआ है। ओके नेक्स्ट, शब्द पढ़ो और फ्लैश कार्ड्स जोड़कर शब्द बनाओ। ये हमें शब्द पढ़ना है और हमारे बुक्स में पीछे फ्लैश कार्ड दिए गए हैं, उसको हमें, उसके आधार से आपको क्या करना है? ये शब्द बनाने हैं उस अक्षर को जोड़कर। पढ़ो, आठ, ग ज, क न, च ट क, अ च क न। ओके देन, आपको क्या करना है? फ्लैश कार्ड का यूज करना है। देखो हमारे बुक्स के पीछे फ्लैश कार्ड है, ऐसे फ्लैश कार्ड है, ये आपको ओपन करना है। इस आपके बुक के पीछे फ्लैश कार्ड है, इसका हमें यूज करना है। तो पहले शब्द पढ़ो, आठ। क्या है शब्द? आठ। ऐसे फ्लैश कार्ड से हमें ढूंढना है कि आ कहाँ पर है। ये मिल गया आ, और ये ठ, ये क्या हो गया हमारा? आठ है ना, आठ हो गया हमारा शब्द पूरा। ऐसे आपको फ्लैश कार्ड से जोड़कर शब्द बनाने। ओके, एक एक अक्षर बनाकर। ओके नेक्स्ट क्या है? ग ज, ऐसे फ्लैश कार्ड अपने पास रखो और ढूंढो। ये है ग, ये है ज। अब आपको पढ़ना है, ये है आठ, ये है ग ज। बन गया हमारा दूसरा शब्द, ये वाला शब्द बन गया ना। ओके नेक्स्ट, क न, ये हमारा क। ओके, और ये न बन गया। पढ़ो, क न, ऐसे आपको बनाना है। ओके तीसरा शब्द बनाएंगे, चलो च ट क है ना, ये च, ये ट, और ये क। देखो हमारा ऐसा ही बन गया का शब्द।
देखो चटक, देखो चटक, ओके। नेक्स्ट अचकन, कौन सा शब्द बनाना है? अचकन, ए अ ए च एक और ए न, अचकन, ओके। पढ़ो अचकन, यहाँ पर भी है अचकन। ये आपको घर पर एक्टिविटी करनी है, पीछे वाले फ्लैश कार्ड का यूज करना है, उसको इसको ऐसे तोड़कर रखो, एक डब्बे में ऐसे तोड़ो और ऐसे रखो, उसके बाद उसको ढूंढना है और ये पूरे शब्द आज बनाने हैं आपको, ये आपकी घर पर बनाने वाली एक्टिविटी है, ओके। देन नेक्स्ट, देन क्रम अनुसार चित्र के नाम बताओ और सही अक्षर लिखकर शब्द बनाओ। ये यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, पिक्चर दिए हैं ना, तो इसके हमें क्रम अनुसार ये अक्षर बनाने हैं, तो यहाँ पर अक्षर डालने हैं आपको। ये क्या है? आठ, हिंदी में क्या बोलते उसको? हाँ आठ, और इंग्लिश में एट। तो आ यहाँ पर दिया है, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे मन से ये थ लगाना है, थ है ना, थ पता है ना, हाँ। तो ये थ, थ से ठग होता है ना, वो वाला ठ है ये। पढ़ो अब आ ठ, ओके। तो ये पिक्चर देखो, ये किसका पिक्चर है? ठग का। कौन सा पिक्चर है? ठग है ना, तो ठ तो यहाँ पर है, हमें यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है? ग। यहाँ पर क्या करना है हमें? ग लिखना है, ग से गज है ना, ग राइट डाउन किया हमने, तो ठ लिखा तो क्या हुआ? आठ। ठ के बाद ग राइट डाउन किया तो क्या हुआ? ठग, ये वाला हो गया। नेक्स्ट ये है गज है ना, ये क्या है? गज। तो यहाँ पर हमें कौन सा अक्षर राइट डाउन करना है? ज, ये है ज, ये क्या हो गया हमारा? ग ज है ना, ग ज। अब ज तो राइट डाउन हो गया, अब इस पिक्चर को एक अक्षर की जरूरत है, तो कौन सा अक्षर चाहिए यहाँ पर? ज ग है ना, ग। लिखते लिखते मजा आ जाएगा, देखो आपको आठ है, उसके बाद ग डाला तो ग ज, और एक ग डाला तो ज ग। तो ये पूरे पिक्चर के हमने क्या किया? नेम बनाए है ना, शब्द बनाए ना, नेम बनाए, और यहाँ पर हमने राइट डाउन किया, ये आपको पेपर में भी आएगा, ओके बच्चों। ये आपका क्या हो गया आज? कुल मिलाकर ये पूरा आपका पढ़ा हुआ है, ये आपको पहले से मैंने पढ़ा है, अब हमने रिविजन किया, ये आपको घर पर करना है और लर्न भी करना है, ओके बच्चों, बाय।